नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट लाइव। और 370 और 35 से टूटने के बाद लगातार से ही रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई। आपको बताते चले कि जम्मू में कुछ दिनों के लिए 2G सर्विस शुरू की गई थी, लेकिन वो भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बंद हो गई। स्टूडेंट्स हैं कुछ मेरे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहते हैं? नहीं, परवीन। आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से नेट बंद कर दिया गया है तो स्टूडेंट्स को कितनी परेशानी आ रही है? बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ सर्च करने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा। तो हम पढ़ नहीं पाते अच्छे से, हमें नेट से गूगल से कुछ क्वेश्चन आंसर उतारने पड़ते हैं। तो कुछ कहना चाहते हो प्रशासन से, सरकार से? हम यही कहना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इंटरनेट की जल्दी करें, सर्विस जल्दी करें, क्योंकि हमें बहुत लॉस होता हमारा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पारुल गुप्ता। पारुल, अगर मैं आपसे ये जानूं कि इंटरनेट को लेकर कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है स्टूडेंट्स को? हम, हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आज भी मैम ने हमें क्वेश्चन दिया था तो उसकी वजह से हम नेट की वजह से निकाल नहीं पाए। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी नेट ऑन करे। क्या लगता है कि इंटरनेट बंद होने की वजह से कई ज़्यादा परेशानियाँ हैं, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? बस ये है कि नेट ऑन होना चाहिए, गवर्नमेंट से यही है रिक्वेस्ट है कि नेट ऑन होना चाहिए। लेकिन जब नेट ऑन कर दिया जाता है तो लोग र्यूमर्स भी उड़ाते हैं, ऐसे लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि र्यूमर्स ना उड़ाएं? हाँ, र्यूमर्स नहीं उड़ाने चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम होती है, फिर गवर्नमेंट नेट बंद कर देती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है। चलिए, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है? माय नेम इज कनिका गुप्ता। वेरी नाइस। कनिका, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से नेट जो है वो बंद है तो कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे हमें कोई टीचर क्वेश्चन आंसर देते हैं तो वो हम निकाल नहीं पाते हैं, तो ऐसे हमें खड़ा भी होना पड़ रहा है कई बार स्कूल में, तो टीचर्स भी बोलती हैं कि बुक के गो थ्रू जाओ। अब हम पूरा तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, पूरा चैप्टर्स तो नहीं पढ़ सकते, वो हम अगर नेट में ही सर्च मारेंगे तो एक क्वेश्चन तो वो पूरा आ जाएगा। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि नेट खोला जाए। चलिए, गवर्नमेंट से अपील है और प्रशासन से अपील है कि नेट को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही हैं। और आम लोगों की अगर हम बात करें तो काफ़ी तरीके से आम लोग जो है वो भी रास्तों पर हैं। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो निकलते हुए जा रहे हैं। इन्हीं से आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नेट की वजह से क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। बच्चे, नेट की वजह से क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें तो नेट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि स्कूल में जैसे कि टीचर्स कहते हैं ये ढूंढ के लाओ, जो कहाँ से ढूंढे, डांट भी बहुत पड़ती है, कहते खुद से लिखो, खुद से कैसे लिखे, हे भगवान नेट ऑन हो जाए जल्दी से बस। और इनका आप देखें स्टाइल की पूरे तरीके से ऐसे करके वो खड़ी है और वो लड़ रही है प्रशासन से एक तरफ से। वो कुछ कहना चाहेंगे? हमें बहुत डांट पड़ रही है, आज भी इतनी डांट पड़ी, टीचर ने तो मेरा रोल नंबर लग के कहते प्रिंसिपल को दूंगी, वैसे टीचर सुन नहीं रहे कहीं। बस यही जो बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है। हमारे जो दोस्तों से, हमारे रिलेटिव से जो कंटेक्ट्स थे, जो हमारे कंटेक्ट्स हो रहे थे व्हाट्सएप के तरीके से, नेट के तरीके से, वो हमारे इस टाइम नहीं हो पा रहे हैं और इस वजह से थोड़ा सा है। तो फिलहाल आपने देखा कि कांटेक्ट अभी नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई परेशानियां इन्हें झेलनी पड़ रही हैं। तो सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि इंटरनेट को बहाल किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। फिलहाल देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव।